हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन टारगेट। आज आप लोग के बीच मैं बबन भारती इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का क्लास लूंगा, जो कि इस चैनल पे सारा सब्जेक्ट इंडिविजुअल एक एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोग के लिए टेक्निकल के लिए जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये उस स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, ये बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट कहीं पे एडमिशन करा चुके हैं लेकिन किसी कारणवश अपना पर्सनल इशू होने के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं लेकिन वो करना चाहते हैं। तो आप लोग के लिए अब ये सबसे अच्छा है कि आप अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी, फीटर का थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS, SST सारे सब्जेक्ट आपको एक एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आप लोग के बीच इलेक्ट्रिकल का थ्योरी पढ़ाऊंगा। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो पास आउट भी हो गए हैं या जो अभी रेगुलर अभी एडमिशन लिए हैं 18-20 में या 19-21 का जो सेशन है उसमें एडमिशन लिए हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट करेगा। इसके बाद है कि कोई बच्चा जो एडमिशन करा चुका है, ITI पास भी हो चुका है लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसके कारण टेक्निकल फील्ड में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर अपने आप को तैयार नहीं मानते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको हर टॉपिक वाइज डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। संडे को आपको ऑनलाइन आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टाइम टेबल देख करके प्रॉपर आप उस टाइम पे अवेलेबल हो करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इससे होगा कि आपका जितना भी गवर्नमेंट या PSU सेक्टर का, टेक्निकल का जितना भी एग्जाम होगा वो सारे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब देखिए कि आप लोग का पहले सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता था, अब ईयरली हो गया है, तो अब ईयरली होने के कारण सिलेबस में कुछ चेंजिंग आया है जो ईयर वाइज हो गया है, जो कि लगभग आप लोग को 30 से 31 यूनिट आपको पढ़ना पड़ रहा है। सारे यूनिट्स आपको प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सारे सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले है कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी। इसमें होता है क्या है कि ये इलेक्ट्रिशियन जो है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है, जो कि आप लोग डिप्लोमा या बीटेक में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिशियन की जगह पे इलेक्ट्रिकल आता है, लेकिन उसके अंदर में जो सिलेबस होते हैं लगभग सिमिलर होता है, चाहे वो बीटेक में हो या डिप्लोमा में हो, लगभग अंतर में कुछ आता है लेकिन लगभग बराबर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड परिचय या ट्रेड इंट्रोडक्शन। इसमें होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देना, जैसे इससे रिलेटेड है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन का क्या गुण होना चाहिए, कैसे आप किसी चीज़ को आपको समझ रहे हैं, आप में क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए, ये सब क्या है कि आपको ट्रेड परिचय में बताया जाएगा। इसके बाद है कि कॉमन हैंड टूल्स, जो कि सामान्य हस्त औजार बोला जाता है हिंदी में। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे टूल्स ऐसा है जो कॉमन होता है सारे ब्रांच के लिए। आप जैसे कोई टूल्स कॉम्बिनेशन प्लायर को ले लेते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकल में जरूरत पड़ेगा, फीटर में जरूरत पड़ेगा, डीजल मैकेनिक्स, अदर्स जितना भी ब्रांच है लगभग सब में होता है। इसी तरह का बहुत सारे ट्रेड जो आपका औजार है जो यूज होगा उसके बारे में आपको सेकेंड यूनिट्स में आपको बताया जाएगा। थर्ड है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक विद्युत। अब देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया जाएगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे रिलेटेड जैसे आप आगे जितना जाएंगे, इसके बाद एनर्जी है, बहुत सारा है जो कि आपको बेसिक लेवल का है, जीरो लेवल का है, जो ऑलरेडी आप 9वां 10वां में पढ़ चुके हैं लेकिन उस टाइम आप शायद नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको आप प्रॉपर ढंग से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चौथा आपका आता है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स केबल जो है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। अब देखिए इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल में क्या क्या आता है,
जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका कॉइल हो गया, आपका वायर हो गया, केबल हो गया। अब देखिए केबल और जो वायर है उसमें भी बहुत सारा अंतर है। आप जानते हैं कि केबल और वायर एक ही चीज होता है, लेकिन नहीं, उसमें बहुत अंतर होता है। तो जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो सारे अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सोल्डरिंग का। सोल्डरिंग में देखिए होता क्या है कि जैसे सोल्डरिंग बहुत प्रकार का होता है, जैसे आप उसको अगर बड़े लेवल में, जैसे वेल्डर जो ट्रेड से है उसको सोल्डरिंग को एक बड़े लेवल में देखते हैं, तो उसको आप बोलते हैं या तो कहीं पे ब्रेजिंग बोला जाता है, या कहीं पे हार्ड सोल्डरिंग होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, या वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पे है आपको सोल्डरिंग में ये सारे अंतर पता चल जाएगा कि ब्रेजिंग क्या होता है, हार्ड सोल्डरिंग क्या होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है। ये सारे आपको, मतलब आपको यहाँ पे देखना है जो सोल्डरिंग है तो इसके जितने भी कैटेगरी है सारे पे डिस्कस किया जाएगा। जब आप क्लास करेंगे तो ये सब सारे अंतर आपको पता चल जाएगा और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं छठा नंबर में। छठा नंबर में जो है कि यहाँ पे है डीसी सर्किट। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या है, डीसी आया, फिर एसी आया। लेकिन डीसी सर्किट अलग है, एसी सर्किट अलग होता है। डीसी सर्किट को हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो इसके बारे में आपको जब ये क्लास चलेगा तो प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा। मेनली आज आप लोग के सामने कहना है कि आप लोग को सिर्फ सिलेबस के बारे में बताना है, इसीलिए किसी भी टॉपिक पे मैं बात नहीं कर सकता। जब आप क्लास अटेंड करेंगे, जब जैसे जैसे आपका दिन आएगा उस टॉपिक का, उस यूनिट्स का, तो उस टाइम आपको प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा। इसीलिए विशेष रूप से किसी भी टॉपिक पे मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। और इसके बाद सातवां नंबर में आइए, कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, मतलब हिंदी में हम लोग जानते हैं सामान्य विद्युतीय उपसाधन। आप देखिए कि कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज क्या होता है। जैसे देखिए कोई भी डिवाइस है, कोई भी, उसमें क्या है, बहुत सारे छोटा छोटा पार्ट्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसाधन बोलते हैं। बहुत सारे उपसाधन को मिला करके एक डिवाइस का निर्माण होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन ऐसा डिवाइस है, कौन कौन ऐसा एसेसरीज है जो एक डिवाइस का निर्माण कर सकता है। उसके बारे में जब वो क्लास आएगा तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल एंड बैटरी। देखिए जो आपका नेक्स्ट जो आपका जो यूनिट्स है, सेल्स एंड बैटरी है। अब बात करना है कि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत को ये पता होगा कि सेल और बैटरी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन बहुत अंतर है। जब आप ये क्लास करेंगे, जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है। अब देखिए कि नेक्स्ट आता है आपको वर्कशॉप टूल्स। ठीक है, देखिए हर ट्रेड के लिए, हर ब्रांच के लिए एक अपना प्रॉपर एक वर्कशॉप होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप होता है उसमें कौन कौन सा आपको औजार चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ इसमें आ सकता है कि कॉमन टूल्स क्या होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल में भी प्रॉपर ढंग से यूज करते हैं और अदर्स ब्रांच में भी यूज करते हैं। तो जब ये क्लास होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है चुंबक टूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब देखिए चुंबक टूल का जो मतलब है कि जितना भी हम लोग जानते हैं कि आप जान रहे हैं कि जो आपका मैग्नेट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है, मैग्नेट का क्या मतलब होता है, तो नाम तो एक ही है लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर आ रहा है। जब अंतर आ रहा है तो कुछ न कुछ उसका प्रिंसिपल भी अलग अलग होगा। तो जब ये क्लास चलेगा तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके बाद परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है। तो जब ये क्लास चलेगा तो आपको ये सब सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग 11 नंबर पे आते हैं एसी सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले डीसी सिस्टम आया, इसके बाद आया एसी सिस्टम आया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो दो पार्ट्स होता है, एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम, तो एसी सिस्टम में क्या क्या आता है, एसी सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सारे डिस्कस हम लोग करेंगे जब आपका क्लास चलेगा। अब देखिए कि अर्थिंग, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के घर में अर्थिंग का बहुत बड़ा उपयोग होता है, हम लोग यूज भी करते हैं। एक जानते हैं, बहुत सारे बच्चा ये जानते हैं कि अर्थिंग और न्यूट्रल एक ही चीज होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थिन और न्यूट्रल में बहुत अंतर होता है, दोनों का एक अलग अलग काम होता है। जब हम इसके बात करेंगे तो पता चलेगा कि अर्थिन का क्या यूज होता है, अर्थिन का क्या महत्व है, ये सारे चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया का जो रीढ़ का हड्डी है वो आपका कहा जाता है ट्रांजिस्टर को, लेकिन उसमें भी है, ये जीरो लेवल का बात कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है ये जब क्लास होगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है ऑसिलोस्कोप एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। जब हम बात करेंगे इस टॉपिक का तो जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर का जो निर्माण है ये बहुत सारे लॉजिक गेट से मिलकर के बना हुआ है। तो जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा मतलब लॉजिक गेट को मिला करके ट्रांजिस्टर का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जब ये टॉपिक आएगा तो आप क्लियर समझ जाएंगे। इसके बाद है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। देखिए एम्पलीफायर और ऑसिलेटर का यूज तो ITI लेवल में बहुत कम होता है, ये आपका जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल का जो थ्योरी है आप इसको छोटा ना समझे, ये लगभग आपको बीटेक लेवल का सारे सिलेबस को एक नोट्स में तैयार करके आप लोग को ITI में दिया जाता है। तो अगर किसी बच्चा को दिमाग में ये है कि ITI बहुत जीरो लेवल का चीज है तो ये गलत है। अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इससे आप कोई भी टेक्निकल लेवल का आप कोई भी कंपटीशन आप फाइट कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप देखिए पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस। देखिए पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस जो है ये एक बीटेक लेवल का सिलेबस है, जिसको हम लोग बीटेक या डिप्लोमा में जानते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उसी का एक ये सिलेबस आप लोग के ITI में डाला गया है पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस। तो जब हम लोग बात करेंगे उस टाइम जब ये टॉपिक आएगा, ये यूनिट्स आएगा, तो इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब आपको किया जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपको एक भी डाउट रहने देने का कोई भी जगह नहीं बनेगा। इसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कि इसको हम लोग एक तरह के जब बीटेक में जाते हैं या डिप्लोमा में जाते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं एनालॉग डिजिटल सर्किट, उसी का एक पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग जानते हैं कि ये एक सबसे अपडेट वर्जन है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। पहले था जैसे आपका एनालॉग डिजिटल सर्किट था, उसी का एक पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब हम बात करेंगे जब ये टॉपिक आएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो यूनिट्स है वो 18 नंबर में है, जिसको इलेक्ट्रिक वायरिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि यहाँ वायरिंग दो तरह का होता है, एक वायरिंग जो आप एक एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं, जो आपका घरेलू डोमेस्टिक जो भी वायरिंग होता है उसके नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए प्रॉपर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक वायरिंग, मतलब यहाँ पे क्लियर ये बोल रहा है कि ये जो वायरिंग का बात कर रहा है ये सिर्फ मशीनरी वायरिंग का बात कर रहा है, जैसे आप जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जितने भी ये इक्विपमेंट है सारे के सारे कैसे वाइंडिंग करना है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो जब ये क्लास चलेगा तो ये डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। अब देखिए 19 नंबर में हम बात करते हैं फ्यूज रिले एंड सर्किट ब्रेकर। देखिए फ्यूज के नाम से आप लोग जानते हैं, आप लोग के घर में भी यूज होता है, जिसमें वो एक वायर लगाया जाता है नाइक्रोम का। अब देखिए यहाँ पर जो है रिले, रिले का कहाँ यूज होता है, रिले का भी बहुत जगह यूज होता है, जनरली आज के डेट में ट्रांसफार्मर में रिले का यूज होता है, जिसको बुकोल्स रिले के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज है, वो सारे चीज आपको बताया जाएंगे। अब देखिए सर्किट ब्रेकर जो है, ये सर्किट ब्रेकर आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये इंडस्ट्री के लिए। अब देखिए सर्किट ब्रेकर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे SF6 है, वैकम है, इसके बाद एयर ब्लास्ट है। तो सर्किट जो है बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब क्लास चलेगा तो उसके बारे में डिटेल्स बताना ज्यादा सही रहेगा। आज सिर्फ आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया जा रहा है, इसीलिए आप लोग घबराए नहीं। जब आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा, जब आप क्लास में कंटिन्यू रहेंगे अपने टाइम के अनुसार, तो आपको जरूर ये सब सुविधा मिलेगा और आप उस चीज को समझ पाएंगे।
अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो आपका है 20 नंबर, इसमें हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन का। अब देखिए मशीन क्या होता है, मशीन हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा मशीन जो हमारे काम को आसान कर सके, जैसे आप टेक्निकल भाषा में बात करते हैं तो जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं मशीन का ही एक पार्ट्स है। लेकिन हम लोग उस मशीन पे बात करेंगे जो कि डायरेक्ट करंट पे चलेगा, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखें कि यहाँ पे डीसी मशीन का बात कर रहा है, तो यहाँ पे डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट से जो मशीन वर्क कर सके उसके बारे में बात करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीसी जनरेटर का, जो 21 नंबर पे है। देखिए आप ध्यान से, 21 नंबर पे है ये डीसी जनरेटर। अब देखिए डीसी जनरेटर का यहाँ पे बात हो रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जनरेटर का काम क्या होता है, कि ये आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन करता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो डीसी जनरेटर जो है ये सिर्फ डीसी देगा। अब डीसी पे जो काम कर रहा है डीसी आउटपुट देगा। उसी तरह से देखिए कि आपका 22 नंबर में है डीसी मोटर। अब देखिए यहाँ पे फिर से डीसी मोटर का बात आ रहा है, मतलब डायरेक्ट करंट का बात आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपको इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इनर्जी चेंज करता है। तो यहाँ पे जो आपको जो सप्लाई जो मोटर में दिया जाएगा ये प्रॉपर डीसी का दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसा मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो डीसी सप्लाई भी मैकेनिकल इनर्जी ला रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका 23 नंबर में है ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर जो है एक तरह से अगर आप मानते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो एसी सिस्टम में अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो शायद हम इतना डेवलप नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम लोग जब बात करेंगे ट्रांसफार्मर पे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है कितना इम्पोर्टेंट है एसी सिस्टम के लिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं 24 नंबर पे, 24 नंबर पे है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई इक्विपमेंट का बात कर रहा है। मेजर का मतलब हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये नाप तौल का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वाट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, बहुत सारा मीटर होता है। तो हम लोग उस मीटर पे बात करेंगे कि जो कि ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आता है। तो आप घबराए नहीं, जब क्लास चलेगा, जब ये टॉपिक आएगा तो आपको ये सारा जितना भी अगर डाउट दिमाग में चल रहा होगा, माइंड में चल रहा होगा, ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए है कि आपको इस चैनल पे बना रहना होगा। जब आप डिसकंटिन्यू हो जाएंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा नहीं। अब देखिए ये 25 नंबर में आ रहा है कारपेंट्री टूल्स एंड ज्वाइंट। आप लोग जानते हैं कारपेंट्री के नाम कुछ जानते होंगे या कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन बढ़ई का काम तो सब जानते हैं कि बढ़ई का काम क्या होता है, जो लकड़ी का काम कर रहा है। अब देखिए कि कारपेंट्री में जो बात आ रहा है कि लकड़ी का जो काम बढ़ई लोग करता है उसका टूल्स क्या होता है। इसके बाद है कि उसमें बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, टी ज्वाइंट हो गया, एल ज्वाइंट हो गया, वी ज्वाइंट हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना भी कुर्सी प्लस ये सब जितना भी बन रहा है कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट के अंदर में आ ही जाता है। और कारपेंट्री का बात कर रहा है तो लकड़ी का आ रहा है। तो जब ये टॉपिक आएगा, ये यूनिट्स आएगा, तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आपका आकलन एवं लागत, जिसको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जानते हैं इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पे जो एस्टिमेटिंग का यहाँ पे बात कर रहा है, ये जब आप ऊपर के क्लास में जाएंगे, जैसे आपका डिप्लोमा का लेवल हो जाएगा, बीटेक का लेवल हो जाएगा, तो वहाँ पे इसको एक प्रॉपर नाम से जानते हैं एस्टिमेशन, उसी का एस्टिमेटिंग है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि आप कैसे वायरिंग करते हैं, उसका कैसे आप कैलकुलेशन निकालते हैं, कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कितना पावर देना चाहिए, कितना वाट यूज करना चाहिए। इसके बाद है आपको कॉस्टिंग का, मतलब क्या है, लागत, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे लागत का बात कर रहा है कि कितना वाट पे या कितना आपका खर्च पड़ रहा है, जैसे वायर का खर्च हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने घर में दो तरह का बोर्ड यूज करते हैं। जनरली आपको छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, एक पावर बोर्ड होता है, तो दोनों में पावर का वैल्यू अलग होता है, करंट का वैल्यू अलग होता है, तो उसका थिकनेस ऑफ वायर भी बढ़ सकता है। तो उसके अनुसार से टोटल कितना लागत आ रहा है, एक घर का वायरिंग करने में कितना लागत आएगा, एक हॉस्पिटल का वायरिंग करने में कितना लागत आएगा, तो ये सब सारा चीज आपको उस क्लास में बताया जाएगा। अब देखिए 27 नंबर में, 27 नंबर में हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक आज के डेट में जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब देखिए कैपेसिटर का क्या क्या काम हो सकता है, जैसे आपका फैन है, अगर फैन में देखते हैं आप लोग, आप जब क्लास करेंगे तो पता चलेगा कि एक पावर फैक्टर नाम का भी चीज होता है। अभी तक आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप शायद नहीं जानते होइएगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसका बहुत यूज होता है। एक छोटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जैसे आपका एक फैन है, फैन चलते चलते अगर स्लो हो जा रहा है या उसमें आवाज आ रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं ये फैन खराब हो चुका है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन नहीं, उसमें होता क्या है कि हो सकता है कि उसमें पावर फैक्टर वो लैग भी कर सकता है, माइनस में, लैगिंग मतलब होता है माइनस करना। तो जब हम कैपेसिटर का यूज करते हैं तो होता क्या है कि वो लैगिंग पावर फैक्टर को वो लीडिंग में बदलता है। जब लीडिंग में बदलता है तो जो आपका जो फैन है उसका जो खराबी है वो ठीक हो सकता है। इस तरह से देखा जाए कि जब आपका कैपेसिटर का जो क्लास चलेगा तो ये सब छोटी छोटी चीज है या कैपेसिटर का जो खासियत है या जो उसका प्रिंसिपल है वो आपको बताया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 28 में, 28 नंबर में देखते हैं ट्रांसफार्मर वायरिंग, ठीक है। हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जान गए, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जान गए, ट्रांसफार्मर को यूज कैसे जानना है वो जान गए, लेकिन हम लोग क्या है कि ये इसीलिए दिया जा रहा है कि ITI लेवल में होता है क्या है कि एक ट्रेनिंग है, एक आपको ढंग से बताया जाएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर को बनाना। तो आपका एक लास्ट जो आपका जो यूनिट है ट्रांसफार्मर वायरिंग का, ट्रांसफार्मर वायरिंग में होता क्या है कि हम कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन निकालेंगे या कैसे हम एक अपने से खुद से एक नया ट्रांसफार्मर का डिजाइन करेंगे। तो ये चीज़ है, ये सारे आपके सिलेबस है, ये आप आपके ITI का फर्स्ट ईयर का है, आप इसको ध्यान देंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का जितना भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से जब सेकेंड ईयर का जब क्लास चलेगा तो इसी तरह से आपको सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस आपको पहले बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। रह गया पढ़ाने का, ये आपका सिलेबस था। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपको एक एक यूनिट को आपको प्रॉपर ढंग से बताया जाएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इतना तक ही खत्म हो रहा है।